उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों के खाद्य मुहैया कराए जाने के सभी दावों पर बांदा में सिस्टम पानी फेर रहा है। बांदा में खाद्य क्रय केंद्र पर ताले जड़े हुए हैं और किसान परेशान है। आक्रोशित किसानों ने आज खाद्य क्रय केंद्र में खाद्य न होने पर सड़क पर जाम लगा दिया। कई घंटे तक पूरी तरह से किसान जाम लगाए रहे और बांदा फतेहपुर स्टेटवे के कई घंटे तक जाम रहा। जाम की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरह किसानों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। यह तस्वीरें बांदा मुख्यालय के फतेहपुर बांदा स्टेट हाईवे पर स्थित मंडी समिति की है, जहां देख सकते हैं स्टेट हाईवे पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। यह जाम लगाने वाले वह किसान हैं जिनको सारी सुविधाएं देने का सरकार दावा कर रही है, लेकिन बांदा में इन्हें खाद भी मुयसर नहीं हो रहा। एक हफ्ता पहले तक बेतहाशा बारिश ने वैसे भी किसानों की कमर तोड़ दी। खरीफ की तकरीबन सारी फसलें तबाह हैं और अब गेहूं की बुआई का वक्त है, लेकिन किसानों को खाद मुयसर नहीं हो रहा। रात से ही सैकड़ों किसान खाद क्रय केंद्र पर पहुंच चुके हैं, लेकिन दोपहर तक जब खाद नहीं मिली तो इन किसानों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने नारेबाजी करते हुए बांदा फतेहपुर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। कई घंटों तक यह जाम रहा, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बमुश्किल किसानों को समझाया तब जाकर जाम खुल सका। परेशान किसानों का कहना है वह पहले ही बेतहाशा बारिश से तबाह हैं और अब समय निकलता जा रहा है और खाद न होने के चलते वह बुआई नहीं कर पा रहे। वहीं इस मामले में मौके पर मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार का कहना है, गोदाम में लेबर का पेमेंट न होने के चलते लेबर ने हड़ताल कर दी थी, जिसके चलते खाद की धुलाई नहीं हो पाई और यही वजह है कि खाद क्रय केंद्र तक नहीं पहुंच सके। बांदा से गुल मोहम्मद की एक मल्टीपल हो जाएगी आईडी में ना करें। पूछो असर किस तरह से आप मौके पर आ है जो किसानों ने जाम लगाया था, किस तरह से समझाएंगे और जाम खुलवाया आपने? गोदाम है खाद का, खाद के गोदाम से और केंद्र जो ठेकेदार है उसके कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया था कि हमारा बकाया है, जब तक बकाया नहीं मिल जाता हम खाद की लोडिंग अनलोडिंग नहीं करेंगे। इसलिए जो है गोदाम से केंद्र तक खाद नहीं आ पाने के कारण खाद की शॉर्टेज है और वो बात कर ली गई है, लोडिंग हो रही है, 1 बजे तक खाद आ जाएगी। कहाँ से आए हैं? जाम क्यों लगाया आप लोगों ने? खाद नहीं मिल रही, 10 दिन से रोज आते हैं लौट के चले जाते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं अधिकारी लोग, क्या बोलते हैं अधिकारी? खाद खत्म हो गई, कहीं ऊपर 5-12 बजे आके बांट जाएंगे, कहीं 4 बजे आके बांट जाएंगे, कोई नियम कानून नहीं है यहाँ। और आप लोग परेशान हो गए? और क्या, परेशान नहीं, खेती बोने के लिए आ गई है, जब ना मिलेगी तो खेती ऐसे पड़ी ना रह जाएगी। कहाँ से आए हैं? जारी। क्या जाम क्यों लगाया है? सर आज हम लोग 2 बजे रात से यहाँ आ गए, ये लोग कम से कम 5-6 दिन से घूम रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रही है। अभी 10 से ऊपर टाइम हो गए, यहाँ कोई बांटने वाला कोई एक काउंटर नहीं खुला, अब बताइए हम लोग क्या करें? रात भर जगे हैं, इसके बाद फिर वापस घर जाएंगे, फिर आएंगे 3 बजे। खाद उपलब्ध नहीं हुआ, कोई भी काउंटर नहीं खुला, कोई अधिकारी आया नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई काउंटर खुला, ना कोई यहाँ बाबू आया, तब आके हम लोग यहाँ नोटिस बोर्ड लगाए हैं। जी मेरा नाम बंटी त्रिवेदी है। जाम क्यों लगा हुआ यहाँ? विगत जो है 15 दिनों से किसान खाद के लिए परेशान जी, और प्रशासन खाद किसानों को मुहैया नहीं करा पा रहा जी। वैसे भी अभी अतिवृष्टि के कारण जो है किसान अपनी धान की फसल खो चुका है, अगर समय से बुआई नहीं कर पाते हैं तो बताइए किसानों का क्या होगा, जिसे हमारी सरकार अन्नदाता का नाम देती है। हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द हमारी समस्या को सुलझाने का प्रयास करे। कब से जाम लगा हुआ? ये करीब 1 घंटे हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। किसान 3-2 बजे रात से पड़े हुए हैं, घरों की महिलाएं बच्चे सब लाइन में लगे हुए हैं, बताइए कैसे काम होगा? अभी कोई नहीं अधिकारी आया, अभी तक कोई गाड़ी नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई बाबू नहीं, सब जो परेशान है। हाँ, सटले बंद है और किसान 3 बजे से 2 बजे रात से यहाँ पड़ा हुआ।